नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के कंप्लीट फार्मूला देखेंगे। दोस्तों, फिजिक्स में जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला बनता था आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके आगे के दिन ग्रुप डी एग्ज़ाम है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे गति और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी चैप्टर से, ठीक है। तो गति दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काम करता है, ठीक है। यदि हॉरिजॉन्टल काम करेगा यानी हॉरिजॉन्टल में बात किया जाएगा तो इस फार्मूला को लगाएंगे, और वर्टिकल में यदि बात किया जाएगा तो ये दोनों फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है। गति का तीन समीकरण होता है दोस्तों। पहला समीकरण वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, और तीसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध बताता है यानी वेग और समय के बीच संबंध बताता है, दूसरा समीकरण डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है, तीसरा समीकरण वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच संबंध बताता है यानी वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है, ठीक है। अब दोस्तों वर्टिकल में बात किया जाएगा तो दोस्तों ए बराबर माइनस जी लेंगे और ए बराबर प्लस जी। अब माइनस जी और प्लस जी कब लेंगे यानी माइनस वाला फार्मूला कब लगाएंगे और प्लस वाला फार्मूला कब लगाएंगे। तो दोस्तों जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तब दोस्तों जी माइनस में लेंगे यानी माइनस जी माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तब प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे यानी प्लस जी लेंगे, ठीक है। एस क्या है दोस्तों? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी है। भी अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी है। ए त्वरण यानी एक्सीलरेशन है। टी टाइम है। जी गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है। सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों लाइट से, लाइट यानी प्रकाश। सबसे पहले देखेंगे किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी। यानी दोस्तों कोई वस्तु की पूरी लंबाई देखनी है तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेंगे। यानी दोस्तों वस्तु की लंबाई चार फीट है तो दर्पण की लंबाई कितने लेंगे? तो आधी कर देंगे यानी दो फीट लेंगे, ठीक है। दो फीट दर्पण की लंबाई लेंगे। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर है तो उनके बीच बने प्रतिबिंब विषम होगी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर है तो उसके बीच बने प्रतिबिंब विषम होगी, ठीक है। फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या लेंगे? तो एक दूसरे से जितने कोण पर झुका रहेगा वही एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। अगर दोस्तों सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा तब एक क्या करेंगे? घटा देंगे, एक घटा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि दो समांतर यदि दो समतल को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि दो समतल दर्पण को यदि समांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई h2 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h1। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की और वस्तु की लंबाई, ठीक है। आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू, ठीक है। भी बटा यू यदि दर्पण में बात किया जाएगा तो माइनस भी बटा यू, और लेंस में बात किया जाएगा तो भी बटा यू, ठीक है। अब भी क्या दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु क्या? वस्तु की दूरी यू है, ठीक है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई एच वन बाई एच टू बराबर भी बाई यू यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। आवर्धन क्षमता यदि बोलेगा, आवर्धन क्षमता बराबर होता है वन प्लस डी बाई एफ, जहाँ डी कितना लेंगे? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं पी वन और पी टू हो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता क्या होगा? दो लेंस की क्षमता दिया गया है पी वन पी टू और दोनों लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर है, तब लेंस की क्षमता कितना होगा? तो दोस्तों फार्मूला होता है पी बराबर पी वन प्लस पी टू माइनस डी इंटू पी वन इंटू पी टू, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों लेंस आपस में सटा हुआ हो, आपस में सटा हुआ हो तब दोस्तों पी बराबर पी वन प्लस पी टू दोनों लेंस जोड़ देंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं। दर्पण के सूत्र देखेंगे। दर्पण के सूत्र क्या होता है, वन बटा भी प्लस वन बटा यू प्लस वन बटा भी बराबर वन बटा एफ। ठीक है, यू क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी, भी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी। अब लेंस के सूत्र होता है वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे देखते हैं। एफ यानी फोकस दूरी बराबर होता है आर बाय टू। आर क्या है वक्रता की त्रिज्या, एफ है फोकस दूरी। लेंस की शक्ति को डी से डिनोट करते हैं, लेंस की शक्ति और लेंस की क्षमता पी से डिनोट करते हैं। दोस्तों लेंस की शक्ति और लेंस की क्षमता दोनों का फॉर्मूला वन बाई एफ होता है। ठीक है, अब एफ यदि सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन बटा एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बटा आर वन माइनस वन बटा आर टू। अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक है और आर वन आर टू क्या है, तो दो वक्रता की त्रिज्या है। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य, यानी म्यू बराबर होता है सी बटा भी। सी क्या है निर्वात में प्रकाश का वेग, भी क्या है माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, अब दोस्तों स्नेल का नियम भी याद रखिएगा, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, आगे देखते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से। ठीक है, तो दोस्तों ओम का नियम, ओम का नियम भी इजकल टू आई आर होता है, ओम का नियम। तो भी इजकल टू आई आर, भी क्या है दोस्तों विभवांतर है, आई क्या है धारा यानी करेंट है, आर क्या है रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध है। ठीक है, पी पावर बराबर क्या होता है यानी शक्ति बराबर भी आई, पी पावर है यानी शक्ति है, तो पी इजकल टू भी आई, पी इजकल टू भी स्क्वायर बटा आर, पी इजकल टू आई स्क्वायर बटा आर। आर बराबर होता है दोस्तों रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, तो R क्या है रेसिस्टेंट है और रो क्या है तो रेस्टिविटी है, L क्या है तो लेंथ है और A क्या है तो क्रॉस ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्य यानी वर्क बराबर होता है भी गुने क्यू, वर्क बराबर भी गुने क्यू, भी क्या है वोल्टेज यानी विभवांतर है और क्यू क्या है दोस्तों आवेश है। ठीक है, चार्ज है। आवेश यानी क्यू बराबर होता है आई टी, आई क्या है करेंट है और टी क्या है समय है, टी क्या है समय है। उष्मीय प्रभाव यानी एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है करेंट है, आर क्या है दोस्तों तो आर है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट, टी टाइम है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि प्रतिरोध श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ा गया हो, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो फार्मूला R बराबर होता है R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना प्रतिरोध तक लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों प्रतिरोध समांतर यानी पैरलर में हो, यानी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो वन बटा आर बराबर वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री प्लस वन बटा आर फोर, इसी तरह से आगे जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैपेसिटर, दोस्तों कैपेसिटर यदि समांतर यानी पैरलर में हो, यानी कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कैपेसिटर यदि सीरीज में हो यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो वन बटा C बराबर होता है वन बटा C1 प्लस वन बटा C2 प्लस वन बटा C3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे देखते हैं। एक यूनिट बराबर एक किलो वाट आवर, एक यूनिट बराबर एक किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुने 10^6 जूल। ठीक है, तो याद रखिएगा। नंबर ऑफ यूनिट, यदि यूनिट की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, यूनिट की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, आज का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए बोला गया था। तो कैसे निकालेंगे, उपकरण की संख्या गुने शक्ति गुने घंटा गुने दिन बटा हज़ार, यानी हज़ार से भाग देंगे, यानी उपकरण की संख्या गुना करेंगे शक्ति
यानी जितना पावर दिया जाएगा उसको गुना करेंगे, फिर आवर जितना दिया जाएगा उसको गुना करेंगे, और जितना दिन काल निकालने के लिए बोला जाएगा उतना गुना करके 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। वर्क बराबर होता है दोस्तों एफ एस कॉस थीटा, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ जो फोर्स है, एस क्या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। ठीक है, अब थीटा क्या दोस्तों, तो थीटा एफ और एस के बीच का कोण बताता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा बताता है, एंगल बताता है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv². ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m। दोस्तों इस फॉर्मूला को कब लगाएंगे, तो यदि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा तब इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। जी क्या दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, h क्या है, हाइट है, m मास है। आगे देखते हैं, कार्य यानी वर्क बराबर होता है mgh, वर्क बराबर होता है mgh। शक्ति पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम यानी कार्य बटा समय। दोस्तों यदि mg और h दिया रहेगा, अब समय दिया रहेगा, पावर बराबर होता है mgh बटा t यानी वर्क का फॉर्मूला कब mgh लगाएंगे, जब mgh रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला mgh लगाएंगे। और यदि दोस्तों पावर निकालने के लिए बोला जाएगा और f और s दिया रहेगा और समय रहेगा तो एफ एस कॉस थीटा बटा टी लगाएंगे। ठीक है, तो सभी फार्मूला को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संवेग यानी p बराबर होता है m गुने भी, मास गुने वेलोसिटी। आवेग बराबर होता है इम्पल्स, आवेग यानी इम्पल्स बराबर होता है एफ गुने टी, फोर्स गुने टाइम, बल गुने समय। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है एफ गुने टी। ठीक है, संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग, आवेग बराबर होता है एफ गुने टी। ठीक है, एम जी गुने भी जी बराबर माइनस एम बी गुने भी बी। एम जी क्या है, पिस्तौल की द्रव्यमान, भी जी है पिस्तौल का वेग, एम बी है गोली का द्रव्यमान और भी बी है गोली का वेग। ठीक है, तो याद रखिएगा। उष्मा और ताप, हीट और टेम्परेचर, C-0/100 बराबर F-32/100 बराबर K-273/100 बराबर R/80। ठीक है, सी क्या है, सेल्सियस है, एफ फॉरेनहाइट है, के केल्विन है, आर रूमर है। ठीक है, Q=MS∆T, एस क्या है, तो विशिष्ट उष्मा धारिता। ठीक है, और डेल्टा टी है दोस्तों ताप में परिवर्तन यानी θ2-θ1, डेल्टा टी लेंगे, θ2-θ1 दिया रहेगा। ठीक है, क्यू बराबर होता है उष्मा, क्यू क्या है, उष्मा है, एल दोस्तों गुप्त उष्मा है यानी Q=ml, जहाँ एल क्या है, गुप्त उष्मा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से देखेंगे तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए मास गुने एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। यदि दोस्तों वेग में परिवर्तन, यदि वेग में परिवर्तन की बात किया जाएगा तब दोस्तों इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ए बराबर m·v·u/t। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से देखेंगे। परास, रेंज बराबर क्या होता है दोस्तों, रेंज बराबर r बराबर होता है u²sin²θ/g यानी दोस्तों आपको परास यानी रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, u²sin²θ/g। u क्या है दोस्तों, वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, महत्तम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, hmax=u²sin²θ/2g। यदि उड़ान काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट समय निकालने के लिए बोला जाएगा, आवर्त काल निकालना बोला जाएगा तो 2u sin θ/g। ठीक है, आगे देखते हैं,
वृत्तीय गति और रेखीय गति, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंटीपेटल फोर्स, सेंटीपेटल फोर्स यानी एफ ई बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटा आर, एम वी स्क्वायर बटा आर। अब दोस्तों यदि एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा जब तब निकालने के लिए बोला जाएगा सेंटीपेटल फोर्स, तो एम ओमेगा स्क्वायर बटा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, जहाँ भी क्या होता है यदि वेलोसिटी बराबर होता है दोस्तों ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ भी का वैल्यू यदि रख देंगे तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।